हेलो दोस्तों, एक बार फिर अच्छा देखें अच्छा सुनें चैनल पर आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विधि। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस विद यू पीपल अबाउट गर्ल्स एजुकेशन। बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उससे पहले उसके साथ साथ हमें एजुकेशन के साथ साथ हम देखेंगे कि गर्ल्स की एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी चीज है, इट इज समथिंग व्हिच मेक्स आवर पर्सनालिटी, व्हिच डेवलप्स आवर पर्सनालिटी एंड इन टर्न इट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर आवर कंट्री। अगर हम बात करते हैं गर्ल्स एजुकेशन की, तो गर्ल्स एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं एजुकेशन प्लस गर्ल्स एजुकेशन एंड एजुकेशन इन होल, तो हम कह सकते हैं कि दे बोथ दे थ्री ऑफ देम आर वेरी मच रिलेटेड। एंड हम अगर बात करते हैं गर्ल एजुकेशन की, तो ये कह सकते हैं कि गर्ल एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्रीज डेवलपमेंट एज वेल एज सोसाइटी। देखा जाए तो आज के दिनों में हम गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट कर रही है सोसाइटी हमारी, बट वो इतना ज्यादा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि हाँ इट इज गोइंग इन अ राइट मैनर। तो इसे जानने के लिए कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है जो हमारे समाज में आजकल हो रहा है गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर। हमारे जो माइंडसेट है लोगों का सोसाइटी में, या फिर हम फैमिलीज की बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट क्या है कि गर्ल्स की एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी बॉयज की एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि लड़कियों ने तो आगे शादी करके जाना। दिस इज द माइंडसेट ऑफ द फैमिलीज एज वेल एज सोसाइटीज। एंड थर्ड कम्स द मनी प्रॉब्लम। जहां तक बात है फैमिलीज की, अगर हमारी फैमिलीज ही गर्ल्स को सपोर्ट नहीं करेंगी तो हाउ वुड दे गेट अ राइट पाथ टू मूव इन। इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए या ये ध्यान में होना चाहिए कि फैमिलीज वो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो एक गर्ल की लाइफ में मैटर करता है उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे आगे प्रमोट करने के लिए। दूसरा आता है हमारी सोसाइटी। सोसाइटी की बात हम जहाँ तक कर रहे हैं, सोसाइटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी एनवायरमेंट में, उसी सराउंडिंग्स में हमें रहना है। एंड अगर उस सराउंडिंग्स में रहना, वी नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस वी आर रेसिडिंग इन। और इस सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? हम ही तो बनाते हैं। अगर हम बनाते हैं तो इन्हें इम्प्रूव भी हमें ही करना होगा। उसके लिए ज़रूरी है हमें ये जानना कि गर्ल्स की एजुकेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं। अगर हम देखा जाए तो गर्ल्स जो होती हैं वो फैमिली प्लस कंट्री प्लस अपनी खुद की लाइफ को एक साथ लेके कैसे चल सकती हैं। अगर वो एजुकेटेड ही नहीं हो, अगर उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी ड्यूटीज नहीं पता होंगी, तो वो कैसे एजुकेट कर पाएंगी खुद को या अपनी आगे जनरेशन को, अपने बच्चों को। इसके लिए जरूरी है कि लड़कियों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। दे विल बी गेटिंग द नॉलेज ऑफ व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर देयर ड्यूटीज एंड व्हाट दे हैव टू डू फॉर देयर कंट्री। इफ दिस लाइक इनकल्केशन ऑफ दीज थिंग्स विल बी देयर इन द गर्ल्स, देन दे विल हैव द माइंडसेट दैट हाँ आज हमने ये किया है, कल हम इससे कुछ बड़ा करेंगे, कल हम और कुछ बड़ा करेंगे। इससे ना ही सिर्फ गर्ल्स की ग्रोथ प्रमोट होती है, बल्कि हमारी सोसाइटी, हमारे देश, हमारी खुद की कंट्री को बहुत कह सकते हैं हम प्रोत्साहन मिलता है। गर्ल्स ना ही सिर्फ घर के कामों के लिए बल्कि स्कूल्स, कॉलेजेस, इनफैक्ट आजकल तो MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, दे आर प्रेफरिंग फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स। तो इन्हें कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम? पहले तो हम गर्ल्स हमारे लिए बर्डन और सर्विसेज दोनों में ही मेन को हेल्प कर सकती है। कैसे? अगर आज कोई लेडी है वो विडो हो जाती है या
उनके घर में कोई भी एक्स वाई जेड मिसहैपनिंग होती है, अगर हमें उस मिसहैपनिंग में अगर वो गर्ल एजुकेटेड है तो वो ये जान सकती है, वो ये कर अपने आप को इतना मोल्ड कर सकती है कि शी कुड बी अ शी कुड मूव ऑन टू अ राइट डायरेक्शन एंड अर्न मनी फॉर हर लाइवलीहुड एंड फॉर हर किड्स एज वेल फॉर हर फैमिली एज वेल. बट इन केस इफ द गर्ल इज नॉट एजुकेटेड इट वुड बी very much difficult for her to move on and take her family and her own life together, and she would definitely go for a wrong deed or for a wrong thing. So ise rokne ke liye hame kya zaruri hai, ise rokne ke liye hame chahiye ki hamari jo ladkiyan hai, hamari jo women hai wo educated ho. Humne bahut dekha hai ki aajkal gharon mein jo पेरेंट्स हैं या फिर जो एल्डर्स हैं वो ये कहते हैं कि क्यों लड़कियों को पढ़ना क्यों जरूरी है, हमें तो हमारे को जो लड़के हैं वही आगे फैमिली को चलाने वाले हैं. लेकिन ये इस केस में बहुत देखा गया है कि जब उनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है या फादर की डेथ हो जाती है, कोई भी ऐसे व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो लड़कियों की एजुकेशन वहाँ बहुत काम आती है, ना ही वहाँ पर बल्कि हर एक एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा काम आता है. यहाँ मैं फोकस उनकी डेथ से या उनके इसलिए कर रही हूँ एजुकेशन के साथ क्योंकि बाद में अगर हम देखें तो ये उन्हीं के लिए बेनिफिट है, उनकी फैमिली के लिए ही बेनिफिट है. अब हम बात करते हैं सोसाइटी में इस मिथ को लेकर कि लड़कों को एजुकेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो फैमिली चलाने वाले हैं. अगर ये लड़कों के लिए ही इम्पोर्टेंट है तो फिर जो बच्चे हैं वो भी लड़के ही क्यों ना बनाए, क्योंकि हर एक काम के लिए बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढता है, माँ को देखता है. अगर उसकी माँ ही उसको कुछ नहीं सिखा पा रही है या कुछ नहीं बता पा रही है कि बेटा आपको ऐसे करना है या आपको वैसे करना है, तो क्या वो बच्चा कुछ अच्छा ग्रैप कर पाएगा? नहीं. इसीलिए हम कहते हैं मदर्स आर द फर्स्ट एजुकेटर्स ऑफ अ चाइल्ड. And being a first educator, she should be knowledgeable by herself कि हाँ ये मेरे बच्चे के लिए सही है, ये मेरे लिए सही है या मेरी सोसाइटी के लिए सही है. उसके लिए उन्हें एजुकेट होना बहुत जरूरी है. हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है और उसकी वजह कहीं ना कहीं हम अपनी खुद की गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं. एक कंट्री की डेवलपमेंट अगर हम देखें तो वोटिंग से होती है. हमारा जो लिटरेसी रेट है, हमारी जो इकॉनमी है वो कैसे डेवलप होती है यदि हमारे गर्ल्स या हमारी जो वुमेन्स हैं उन्हें अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता है. जैसे राइट टू वोट, अगर उन्हें यही नहीं पता है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया दे शुड हैव द राइट ऑफ वोट एंड दे हैव द राइट टू मेक डिसीजंस ऑफ देयर ऑफ हरसेल्फ हर चॉइस एंड हरसेल्फ, तो वो कैसे वोटिंग के लिए जाएंगी? इससे क्या होता है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर हमारी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी कंट्री हैज अ पॉपुलेशन हैज अ वुमेन पॉपुलेशन एज वेल, सो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है. इसलिए अगर हमारी गर्ल्स को या वुमेन्स को एजुकेशन मिले तो दे विल बी नॉलेजेबल अबाउट देयर ड्यूटीज, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर सर्विसेज एंड दे कैन ऑल्सो हेल्प एंड शेयर द बर्डन ऑफ services and deals with their better halves or mates. अगर इस conclusion पे हम ये कह सकते हैं, अगर हम conclusion की बात करें या इस चीज पर आए तो हम ये कह सकते हैं कि women's की education में एक बहुत important part है जो उनकी खुद की families, खुद की societies और surroundings भी helpful है. अगर हमारे surroundings को इस चीज के बारे में aware होगा, इस चीज के बारे में पता होगा, तो ये चीज बहुत नॉलेजेबल है उनके लिए. मैं चाहती हूँ आप सभी इस चीज के ऊपर एक बार गौर करें, इस चीज को एक बार अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सुनें, और अगर आपके कोई सजेशन हैं या कोई व्यूज हैं इससे रिलेटेड या आपको कोई बात शेयर करनी है अपनी या कुछ भी ऐसा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज लाइक. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. For more videos, do subscribe our channel. अच्छा देखें, अच्छा सुनें.